हेलो स्टूडेंट्स ना टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स ठीक है स्टैटिस्टिक्स इंट्रोड्यूस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले uh, हम इसकी कुछ डेफिनेशन आपको हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा ठीक है फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रुप डाटा ग्रुप डाटा इज अ डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस जब हम किसी डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं प्रॉपरली क्लासेस में जैसे क्लास इंटरवल में तो उसे हम क्या बोलते हैं ग्रुप डाटा बोलते हैं ठीक है अनग्रुप डाटा क्या होता है अनग्रुप डाटा इज नॉट ऑर्गेनाइज इन टू जिस डाटा को हम ग्रुप में ऑर्गेनाइज uh, नहीं कर सकते हैं। करते हैं या क्लासेस में ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं इट जस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स उसे हम क्या बोलते हैं अनग्रुप डाटा बोलते हैं ठीक है प्रीवियस क्लासेस में आपने कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा था और इसी कलेक्शन को लेके आपने उसके मीन मॉड और मीडियम निकाले ठीक है बट इन टेंथ स्टैंडर्ड आपको ऑलरेडी वो इंटरवल्स में दिया होगा प्रॉपरली ग्रुप uh, डाटा को क्लास में ऑर्गेनाइज किया होगा और फर्दर उसके बाद आपने इसमें मीडियन मीन और मॉड निकालना है जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन तो उसमें कंसेप्ट आपका मीन का ही है क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी में आपको यही पूछा जाएगा यही क्वेश्चन होगा कि आप कैसे आप इसका मीन निकालिए ठीक है थीके? तो फर्स्ट एक और इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लास मार्क ठीक है क्लास मार्क भी आपको ऑल uh, अगर आप यहाँ पर मीन मीन uh, अगर मीन निकालते हैं तो उसमें क्लास मार्क की भी आपको यूज uh, आप नीड होती है ठीक है तो क्लास मक कैसे निकालते हैं तो वो होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू ठीक है ये इसका फॉर्मला है अब लोअर क्लास लिमिट क्या होता है अपर क्लास लिमिट क्या होता है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ जैसे अगर मेरे पास एक क्लास इंटरवल दिया है टेन टू ट्वेंटी फाइव ठीक है तो इसमें जो अपर वाली वैल्यू है जो बड़ी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा अपर क्लास लिमिट और जो छोटी वैल्यू है जिसकी वैल्यू कम है वो क्या हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट ठीक है बट ये ये है कि ये फर्स्टली आपकी क्या होती है लोअर क्लास लिमिट और फिर होती है आपकी अपर क्लास लिमिट ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा तो उसके निकालने के लिए आपके थ्री मेथड्स मैथड ठीक है ठीके? एक है आपका डायरेक्ट मेथड एक है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड अगर इन तीनों में से आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और उसका मीडियन निकालते हो सॉरी मीन निकालते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा ठीक है तीनों स्टेप को तीनों मेथड्स में अगर आप कोई भी मेथड अप्लाई करोगे आंसर आपका हमेशा सेम रहेगा ठीक है बट ये होता है कंडीशन पे डिपेंड करता है अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू और क्लास मार्क की वैल्यू ज्यादा होती है तो उन केसेस में हम एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवेशन मेथड को अप्लाई करते हैं अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें स्पेशली आपको मेंशन है कि आपने डायरेक्ट मेथड से करना है या आपने एज्यूम मीन मेथड से करना है या आपने स्टेप डिवेशन मेथड से करना है तो आपने पर्टिकुलरली उसी मेथड से सॉल्व करना है अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं ठीक है सेकेंड थिंग यहाँ पर ये है कि आपको आ, सभी मेथड्स पता होना चाहिए बिकॉज आपको क्वेश्चन में पेपर में आपको किसी भी मेथड से पूछ सकते हैं ये नॉर्मली अगर आपको जनरली कोई भी क्वेश्चन दिया हो और आपको बोला जाए कि आपने मीन निकालना है तो आपके लिए कोई प, आ, आपको श्योरिटी नहीं है कि आपने इसी मेथड से निकालना है कम्पल्सरी नहीं कि आप डायरेक्ट मेथड से निकालो कंपल्सरी नहीं है कि आप एज्यूम मीन मेथड से ही निकालो ना ही कम्पल्सरी है कि आप स्टेप डिवीजन मेथड से निकालो ठीक है आपको जो सूट करता है जो आपको इजी लगता है तो आप उस मेथड से निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में मैंशन नहीं हो कि आपने कौन सा मैथड यूज करना है बट अगर आपको वहां मेंशन होगा तो आपने वही मेथड को यूज करना है आप किसी और मेथड को यूज नहीं कर सकते अगर आप करोगे तो अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे ठीक है अब हम करेंगे एक्सरसाइज फोर्टीन स्टार्ट 14.1 स्टार्ट करने से पहले इसका क्वेश्चन रीड आउट करते हैं पे बोला अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें कि वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा है पार्ट है ठीक है जिसमें वो क्या कर रहे हैं डाटा दा, दा, कलेक्ट कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लाट्स प्लांट्स इन ट्वेंटी हाउसेज इन अलिटी ट्वेंटी हाउसेज हैं घर पे ठीक है ट्वेंटी हाउसेज है लोकैलिटी में उस लोकलिटी में जो ट्वेंटी हाउसेज है उसके घर में उनके घर में कितने प्लांट्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दी है ठीक है और हमने यहाँ पर निकालना है कि हमने बताना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस में एटलीस्ट मीन कितने हैं ठीक है तो अब यहाँ पर है नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिए हुए इंटरवल जीरो सिक्स टू एट एट टू टेन टेन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू फोर्टीन और नंबर ऑफ हाउसेस मतलब फ्रीक्वेंसीज कितनी दी है वन दी है टू दिए वन फाइव सिक्स टू थ्री और हमने बताना है विच मैथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग द मैथड मीन एंड वाई ठीक है हमने यहाँ बताना है कि हम कौन सा मैथड यूज कर रहे हैं और, और उसके बाद सेकेंड की हमने मीन निकाला और हमने क्यों निकाला ठीक है अब क्वेश्चन में जब हम आएंगे हमारे को नंबर ऑफ हेयर वी हैव की जितनी भी वैल्यूज दी हैं एफ आई और एक्स आई की वो क्या है स्मॉल है तो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे अब नंबर ऑफ प्लांट्स तो हमें ऑलरेडी मेंशन है वही हमने डाटा लिखा और फ्रिक्वेंसी जो नंबर ऑफ हाउसेस की दी थी, थी हमने वही मेन राइड ऑन की है ठीक है अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये जगह एन बाई ट्वेंटी अब हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस आपको बताया है कि मेरे को डायरेक्ट मेथड यूज करना है ठीक है डायरेक्ट मेथड यूज करूंगी और मैं मीन निकालूंगी अब मुझे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मैथड से हम मीन कैसे निकालते हैं तो डायरेक्ट मेथड से अगर मैं मीन निकालना तो उसका फॉर्मुला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन जिस एन को हम समीशन ऑफ एफ आई भी लिख सकते हैं इसका सभी का सम ठीक है तो अब यहाँ पर हमने पास फॉर्मूला मतलब सम ठीक है तो ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई अपॉन एन ठीक है ये आ गया एफ आई एक्स आई अपॉन एन मैं इसको ही कंसिडर करती हूँ ठीक है यहाँ पर जितनी भी फ्रिक्वेंसी थी उसको मैंने ऐड कर लिया ठीक है ये अब है नेक्स्ट क्लास मार्क क्लास मार्क का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि उसमें क्या होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू होता है ठीक है तो ये हो जाएगा जीरो प्लस टू बाई टू दैट इज इक्वल टू टू इज़ इक्वल टू वन जब कैंसिल करेंगे फिर ये नेक्स्ट टू टू फोर दैट इज टू प्लस फोर टू दैट इज सिक्स बाय टू दैट इज इक्वल टू थ्री इन द सेम वे बाकी सिंपली भी ऐसे ही रहेंगे फाइव सेवन नाइन इलेवन आएगा लास्ट में करके बताती हूँ ट्वेल्व प्लस फोर्टीन अपॉइन टू दैट इज ट्वेंटी सिक्स अपॉइट टू दैट इज इगोल टू थर्टीन ठीक है अब हमेंट निकालना है एफ आई एक्स आई ठीक है एफ आई एक्स आई निकालना है दैट मीस इन दोनों के प्रोडक्ट निकालना है तो ये वन वन जो कितना हो जाएगा वन टू थ्री सिक्स फाइव फाइव सेवन जटी फाइव सिक्स टू इलेवन टू इलेवन जी टू थ्री थर्टीन जी नाइन एक्चुअली मैंने रफ में किया था उससे फेयर किया तो उसके मिस्टेक थोड़ी सी होगी सॉरी फॉर दैट टू इलेवनजा कितना हो गया ट्वेंटी टू थ्री थर्टीन ज कितना हो गया थर्टी नाइन अब जब हम इसको एडअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन सिक्सटी टू ठीक है कितना हो जाएगा ये वन सिक्सटी टू हो जाएगा तो FI, XI की वैल्यू कितनी आगे वन सिक्सटी टू एन मतलब एफ आई की कितनी वैल्यू आ गई ट्वेंटी तो वही हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ परेंगे टू टेन सा टू एटी वन सान बाई टेन इज एट पॉइंट वन ये हमारा रिक्वायर्ड मीन आ गया और सेकेंड थिंग हमारे को ये बोला था कि क्यों हम अवेयरनेस के लिए आ, मतलब हम क्यों इस मेथड को यूज कर रहे हो हम क्यों मीन निकाल रहे हैं ठीक है एंड वाई तो यहाँ पर वही आ जाएगा यहाँ पर हम बताएंगे कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स मेक्स इन्वायरमेंट हेल्थी है बिकॉज क्यों बिकॉज दे प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज जो कि गुड होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए और सेकेंड थिंग दे डू नॉट मेक एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन ठीक है वो भी बेटर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ फिफ्टी वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री हमें यहाँ पर डेली वेजेस जो हैं फिफ्टी वर्कर्स हैं किसी फैक्ट्री के उनके डेली वेजेस की हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है ठीक है तो यहाँ बताया डेली वेजेस इन रूपीज तो फाइव हंड्रेड टू फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी टू फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी टू फाइव एट्टी एंड फाइव एस नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दिया हुआ है आपको यहां पर ट्वेल्व फोर्टीन एट सिक्स और टेन हमें यहां बोला है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रेट मेथड अब यहां पर जब देखेंगे यहाँ पर वैल्यू ट्वेल्व है फोर्टीन है एट है टेन है तो ये थोड़ी बड़ी है टेन ट्वेल्व फोर्टीन है ना तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे हम यहां पर इसको हम स्टेप डिविएशन मेथड से यूज का यूज़ करेंगे ठीक है बिकॉज़ भी वैल्यू और आ, की वो यहां पर बड़ी है सो वी विल यूज स्टेप डिवेशन मेथड ठीक है ठीक है तो सिक्स हंड्रेड तो और यहाँ पर क्या नंबर ऑफ वर्कर्स में फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी आपकी एफ आई वो आपको ऑलरेडी है ट्वेल्व फोर्टीन एट सिक्स और टेन अब हम निकालना है क्लास मार्क तो क्लास मार्क में कितना होता है 500 हंड्रेड प्लस फाइव ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू तो 500 हंड्रेड प्लस फाइव ट्वेंटी कितना हो जाएगा 1020 और जब हम इसको सॉल्विंग करेंगे वो आएगा 510 इन द सेम वे 520 प्लस uh, 540 करेंगे तो वो हो जाएगा 1060 उसको जब टू से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 530 थर्टी इन द सेम वे आप इसको जब करेंगे तो ये भी आपका फाइव फोर्टी प्लस फाइव डिवाइड बाय टू करना है और फिर फाइव एट्टी प्लस सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई टू करना है ठीक है इसमें सिंपल मेथड ये भी है कि विदाउट आप ये चेक करो कि हाँ यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या क्या आती जाएगी अगर आपके क्लास साइज जो है वो सेम है दैट इज फाइव ट्वेंटी को फाइव हंड्रेड से सब्ट्रैक्ट करते हो आपके पास तो ट्वेंटी आता है फाइव फोर्टी में से फाइव ट्वेंटी को सब्रेक्ट कर करते हो आपके पास ट्वेंटी आता है दैट हर एक स्टेप में आपके इनके बीच में गैप है ठीक है तो दैट मीन्स आपने यहां पर ट्वेंटी अप करते रहने जैसे फाइव टेन में ट्वेंटी एड करोगे फाइव थर्टी आ जाएगा फाइव थर्टी में ट्वेंटी एड करोगे फाइव फिफ्टी आ जाएगा इसमें फिर से ट्वेंटी एड करोगे फाइव सेवेंटी आ गया फिर ट्वेंटी एड करोगे फाइव नाइन्टी आ गया ठीक है अब यहाँ पर मेन आता है हमने डी आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मला होता है एक्स आई माइनस ए अब ये एक कैसे फाइंड आउट होता है वो देखिए अगर आपने निकालना है ए इफ एन इज इवन एन इज इवन दैट मींस जैसे अगर यहां पर कंसिडर करते हो कोई भी मैंने एग्जाम्पल ले ली जैसे ये है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इज ऑड जैसे यहां पर दिया एन इज ऑड तो फाइव हम क्या करेंगे एन प्लस वन कर लेंगे जैसे जहां पर फाइव था तो फाइव प्लस वन करेंगे दैट इज इगोल्स टू सिक्स तो सिक्स बाय टू इज थ्री तो सिक्स बाय टू इज थ्री दैट मीन्स जो थर्ड टर्म होगी वही आपका क्या बन जाएगा ए दैट मीनस इसमें टर्म होगा ए आपका ठीक है अब वैसे ही अगर आपका इवन होगा इवन अगर होगा तो आपको जैसे लेटेड में एग्जाम्पल लेती हूँ यहां पर था फिफ्टी ठीक है यहां से इवन होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो थर्ड टर्म होगी ये मेरा क्या हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप निकाल सकते हो ठीक है अब नेक्स्ट है आपका एच होता है एच होता है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स की जो कॉन्जिक्यूटिव जैसे आपके सोता लेटेड भी आपके एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ये है इलेवन टू थर्टीन थर्टीन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू सेवनटीन तो ये क्या आपके कॉन्जिक्यूटिव है एक के बाद ऐसे इलेवन के थर्टीन आ रहा है फिर थर्टीन के फिफ्टीन आ रहा है के बाद फिर 17 आ रहा है तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स है है ना तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं एच ठीक है H, जिसको हम क्लास फिर भी बोलते हैं ठीक है ठीके? जिसमें क्या होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट ठीक है अब यहां से हम करेंगे इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को स्टार्ट ठीक है अब यहाँ पर जो वैल्यूज दी थी, थी आपको हमने डेली uh, वेजेस की वाली लिख ली ठीक है अपनी ये एंट्री लिख ली फिर ये लिख ली अब यहाँ पर था एक्स आई माइनस ए तो ए का मैंने आपको बता दिया कि ए इसमें क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव है ना फाइव तो फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा सिक्स तो सिक्स डिवाइड बाई टू इज थ्री दैट मीनस थर्ड टर्म जो है वो मेरा ए होगा तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड दैट मीनस ये क्या मेरी होगी ए की वैल्यू होगी जब ये मेरी ए की वैल्यू होगी अब मेरे को क्या करना है एक्स आई माइनस ए एक्स आई इज फाइव टेन तो फाइव टेन में से जब मैं फाइव फिफ्टी को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा

तो एच इज ट्वेंटी बिकॉज इनके बीच में जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है ट्वेंटी का है अगर मैं फाइव ट्वेंटी में से फाइव हंड्रेड को सब्टेक्ट करती हूँ मुझे ट्वेंटी मिलता है फाइव फोर्टी में से फाइव ट्वेंटी को सब्ट करती हूँ मुझे ट्वेंटी मिलता है लास्ट सिक्स हंड्रेड में से फाइव एटी को सब्टेक्ट करती हूँ भी मुझे ट्वेंटी मिलता है दैट मीस यहाँ पर जो क्लास फिथ है वो कितनी है ट्वेंटी तो उसके अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगी माइनस माइनस फोर्टी बाय ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी बाय ट्वेंटी जीरो बाय ट्वेंटी ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फोर्टी बाय ट्वेंटी सॉल्विंग करके मेरे पास आ जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2. अब मुझे मल्टीप्लाई करना है एफ आई यू आई ठीक है तो एफ आई मेरा ये तो ट्वेल्व इंटू माइनस ट्वेंटी फोर फोर्टीन इंटू माइनस वन इज माइनस फोर्टीन एट इंटू जीरो इज जीरो सिक्स इंटू वन इज सिक्स टेन इंटू टू इज ट्वेंटी जब सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस थर्टी एट तो माइनस थर्टी एट में से जब मैं प्लस ट्वेंटी को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे कितना मिल माइनस एटीन तो माइनस एटी में से जब मैं six करूंगी तो कितना हो जाएगा आपका minus 12. और जब इसको मैं add up करूंगी तो ये कितना आ जाएगा फिफ्टी तो अब मुझे निकालना है यहाँ पर मैंने था कि ये क्या है लार्ज है तो स्टेप डिविशन मेथड में आपको पता होना चाहिए कि हम मीन कैसे निकालते हैं ठीक है तो वो निकालते हैं एक्सपर इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच ठीक है उसी अकॉर्डिंग हमने सारी ये वैल्यूज निकाली ठीक है अब ये वैल्यूज क्यों निकाली पता चल गया ये पहले मैंने आपको बताया कि वैल्यू बट उससे पहले मैं आपको बता दू की फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच डैट वाई हमारे पास एच की वैल्यू चाहिए हमारे को एफ आई यू आई की वैल्यू चाहिए और इसकी समीशन एन की वैल्यू चाहिए ठीक है और साथ में ए की वैल्यू भी चाहिए ठीक है अब वही हमने किया यहाँ पर हमने वैल्यूज की है एज फाइव फिफ्टी एफ आई यू कितना माइनस ट्वेल्व ये की वैल्यू क्या ट्वेंटी जीरो जीरो कैंसिल अब यहाँ पर आ गया माइनस ट्वेल्व इंटू टू इट इज रहा प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व इंटू टू इज ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फाइव ठीक है जब सॉल्विंग करेंगे ये जगह फोर पॉइंट एट तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट एट जीरो में एज इट इज रख रही हूँ ठीक है अब यहाँ से फाइव फोर्टी मैसेज फाइव फिफ्टी मैसेज एट जीरो को सब ट्रेक्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा फाइव फोर्टी फाइव प्लस सॉरी पॉइंट ट्वेंटी तो मेरे पास मीन डेली वर्जेस की कितनी आ जाएगी रुपीज फाइव फोर्टी फाइव पॉइंट ट्वेंटी पैसा ठीक है अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट डेली प्रोडक्ट पॉकेट अलाउंस अलायंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकैलिटी वो क्या दी है ठीक है मनी मीन पॉकेट अलाउंस अलायंस जो दी है अलाउंस दिया हुआ है अलाउंस जो दिया हुआ है आपको रुपीज एटीन दिया हुआ है ठीक है हमने मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमें डेली पॉकेट की जो अलाउंस दिया हुआ है वो रुपीज में दिया हुआ कि क्या है इलेवन टू थर्टीन थर्टीन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू सेवनटीन सेवनटीन टू नाइनटीन नाइनटीन टू ट्वेंटी थ्री टी टू ट्वेंटी फाइव और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो दिए सेवन सिक्स नाइन थर्टीन एफ फाइव और फोर फर्स्टली क्वेश्चन को देखते हुए आप डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे हम अभी स्टेप बाय स्टेप मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेथड बताया सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप डिवेशन मेथड बताया अब मैं थर्ड क्वेश्चन में आपको एस्यूमिन मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगी ठीक है अभी प्रेजेंटली जो हमारे गिवन दिया था वही हम देखेंगे पहले तो हमारे पास आ जाएगा जो हमने कॉलम्स बनाने हैं उसमें पहले आ जाएगा डेली पॉकेट अलाइंसेस फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन फिर क्लास मार्क निकाल लेते हैं बिकॉज हमारे एज्यूम मीन मैथड निकालना तो आपको पता होना चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं इसमें ये होता है ए प्लस मिशन एफ आई डी आई अपॉन एन ठीक है क्या होता है मिशन एफ आई डी आई अपॉन एन अब देखो ए तो हम क्लास मार्क्स से निकाल सकते हैं एफ आई हमारे पास आ गया ऑलरेडी गिवन है ठीक है पहले तो जो हमारे पास इंटरवल्स है वही हमने लिखे हुए हैं कि इलेवन टू थर्टीन थर्टीन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू सेवनटीन सेवनटीन टू ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव और फ्रिक्वेंसीज आपको दी है सेवन सिक्स नाइन थर्टीन एफ फाइव ओ फोर जब इन फ्रिक्वेंसीज को एड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा फोर्टी फोर प्लस एफ और हमें निकालना क्या है क्लास मार्क तो क्लास मार्क क्या होगा इलेवन प्लस थर्टीन बाय टू ज ट्वेंटी फोर बाई टू दट इज इक्स टू ट्वेल्व ठीक है अब यहाँ पे पता है कितने है? टू टू के डिफ्रेंसे है सभी में ट्वेंटी थ्री को सब ट्रैक्ट करो टू आता है नाइनटीन में सेवेंटीन को सब ट्रेक्ट करो टू आता है थर्टीन में से इलेवन को सब ट्रैक्ट करो टू आता है दैट मीनस ये जो यहाँ पर इंटरवल्स दिए सभी के बीच में जो क्लास वेयर था वो क्या है सेम दट इज इक्वल्स टू टू तो हमें यहाँ पर जो वेल्यू आएगी उसमें हमने टू टू को एड करना ट्वेल्व प्लस टू किया फोर्टीन फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस टू ट्वेंटी फोर विदाउट सॉल्विंग करके प्रॉपरली है ना हम इसकी इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है डी आई का फॉर्मुला होता है एक्स आई माइनस ए अब ये एटीन कैसे आया तो आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी बताया है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था ये कैसे निकालते हैं ये क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन है सेवन प्लस वन इज एट एट बाय टू इज फोर तो दैट मीन वन टू थ्री फोर ये मेरी क्या बन जाएगी ए की वैल्यू ठीक है तो यहाँ पर यही बुट की है तो ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस एटीन दैट इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स फोर्टीन माइनस एटीन इज माइनस फोर सिक्सटीन माइनस एटीन इज माइनस टू एटीन माइनस एटीन इज जीरो ट्वेंटी माइनस एटीन इज टू ट्वेंटी टू माइनस एटीन इज फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर माइनस एटीन इज सिक्स ठीक है यहां से डी आई की वैल्यू आ गई अब हमने क्या निकाला है एफ आई डी आई है तो सेवन इंटू माइनस माइनस फोर्टी टू सिक्स इंटू माइनस फोर इज माइनस ट्वेंटी फोर नाइन इंटू माइनस टू इज माइनस एटीन थर्टीन इंटू जीरो इज जीरो इंटू टू इज टू एफ ट्विस्ट एफ फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स इज ट्वेंटी फोर और जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा टू एफ माइनस फोर्टी बिकॉज टू एफ इसके साथ नहीं एडअप हो सकता ये कॉन्स्टेंट है और ये वेरिएबल में आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका सॉल्विंग एड करके टू एफ माइनस फोर्टी ठीक है आपके पास ए की वैल्यू एटीन है एन की वैल्यू फोर्टी फोर प्लस एफ है सबमिशन एफ आई डी है आपके पास टू एफ माइनस फोर्टी है आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया है कि उनकी मंथली अलायंस आपको ऑलरेडी इसका आइडिया दिया था कि वो कितनी है आपको दिया था कि चिल्ड्रन की लिक्वालिटी की जो मनी पॉकेट अलायंस है वो कितनी है रुपीज एटीन दैट मीन आपको मीन दिया हुआ है है ना मीन मीन पॉकेट अलाउंस दिया हुआ आपको जो कि कितना दिया हुआ एटीन दैट मीन्स आपके पास मीन भी कितना दिया हुआ बार इज इक्वल्स टू एटीन ठीक है तो यहाँ पर हम फॉर्मला लगाएंगे ये होगा बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एफ आई डी ए अपॉन एन ठीक है बार की वैल्यू एटीन आई ए भी आपके पास एटीन है प्लस एज इट इज एफ आई डी ए की वैल्यू निकाल निकाली थी हमने टू एफ माइनस फोर्टी वही लिखा टू एफ माइनस फोर्टी अपॉन एन की वैल्यू क्या थी फोर्टी फोर प्लस एफ तो वही लिखा फोर्टी फोर प्लस

फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्टिन पैकिंग बॉक्सेस ठीक है दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज ठीक है डिफरेंट टाइप के मैंगोज हैं ठीक है अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मैंगोज की बतानी है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस तो नंबर बॉक्स मैंगो कितने फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन टू सिक्सटी वन एंड सिक्सटी वन टू सिक्सटी सिक्सटी टू टू सिक्सटी फोर इसमें डिफ्रेंस क्या है देखो ये फिफ्टी टू पे खत्म है बट नेक्स्ट स्टार्ट फिफ्टी टू से नहीं है फिफ्टी थ्री से है तो इसमें पहले हमें इसको प्रॉपर करना है ठीक है कि इसमें डिफरेंसेस जो है वो सेम है और ये हमारे पास जो जहां से खत्म हो वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो इंटरवल तो इसमें हमें थोड़ी चेंजेस डाली है ठीक है और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने दिए फिफ्टीन वन हंड्रेड टेन वन थर्टी फाइव वन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव तो ये वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पर स्टे, अ, अजूम ये स्टेप डिविशन मेथड लगा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर पहले तो क्लास इंटरवल मतलब तो नंबर ऑफ मैंगोस वाला तो हम इसको ऐसे कर लेते कर हैं कि यहाँ से हम एक पॉइंट फाइव कम कर लेते हैं फिफ्टी से है ना तो एक पॉइंट फाइव यहाँ पर कम कर लेते हैं और यहाँ पर बढ़ा देते हैं ठीक है तो सेम ही रह जाएगा तो ये हम स्टार्ट करेंगे फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव सिक्सटी सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर थ्री थ्री का गैप है ठीक है तो दैट मीनस यहाँ पर क्लास लिट जो है वो हमारी थ्री है फ्रिक्वेंसी मेरे को ऑलरेडी दी थी उसको हमने एडअप कर लिया दैट इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड ठीक है क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना है इन दोनों को ऐड करके डिवाइडी और सभी थ्री थ्री का गैप है ना फिफ्टी एट पॉइंट फाइव माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव माइनस सिक्स फाइव दैट मीस सबका डिफरेंस जो है वो थ्री थ्री है दैट मीनस अगर हम यहाँ पर थ्री थ्री भी एड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा तो ये फिफ्टी वन प्लस थ्री इज फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर प्लस थ्री इज फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन प्लस एंड सिक्स थ्री इज सिक्सटी थ्री अब नेक्स्ट हमारे पास है ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी हमने ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूं हमने नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होती है कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ये है। इसमें वन प्लस करेंगे ये बन जाएगा सिक्स तो सिक्सटी फाइव बाई थ्री टू इज थ्री दैट मींस थर्ड टर्म जो है वो मेरा ए हो जाएगा क्लास मार्क में तो ये वन टू थ्री तो ये मेरी क्या बन गई आपकी यह आपकी बन गया ए की वैल्यू ठीक है अब हमें निकालना क्या डी आई निकालना है बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी आपको पता ही है कि जो मीन स्टेप डिविशन मेथड होता है उसमें आता है ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई एच हमने ऑलरेडी बता दी थ्री है ठीक है ए की वैल्यू बताई फिफ्टी सेवन है हमें निकालना है एफ आई यू आई ठीक है अब यू आई कैसे निकालते हैं यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच ठीक है तो डी आई की वैल्यू फॉर्मुला होता है एक्स आई माइनस ए तो वो हमने निकाल दिया यहाँ पर एक्स आई माइनस ए की है दैट मीन एक्स आई

माइनस थ्री ठीक थ्री और टू माइनस वन जीरो निकालना है, है. That means मुझे इसको, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो ये जगह फिफ्टीन इंटू माइनस टू इज माइनस थर्टी वन हंड्रेड टेन इंटू माइनस वन इज हंड्रेड टेन वन हंड्रेड टेन सॉरी वन थर्टी फाइव इंटू जीरो इज जीरो ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी जब सोल्विंग करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका माइनस वन फोर्टी ठीक है और ये हो जाएगा माइनस वन फिफ्टी सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव तो वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव में से जब वन फोर्टी को हम सब ट्रैक्ट करेंगे माइनस वन फोर्टी को तो वो कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव तो ये आपकी आगी एफ आई समीशन एफ आई की वैल्यू ठीक है ये आपका पास समीशन एफ आई की वैल्यू

एट प्लस वन इज नाइन तो ये हो जाएगा फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइनटीन अप्रोक्सीमेटली तो मीन नंबर ऑफ मैंगो कितने आगे फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइनटीन जो कि कैप्टिनम पैकिंग बॉक्स अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर भी होमवर्क रहेगा अब नेक्स्ट है आपका आप ट्राई करोगे सिक्स क्वेश्चन अब नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइ ऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर थर्टी लोकलिटीज इन अ सर्टेन सी टी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो जो कंसेंट्रेशन दी है सल्फ, आ, सल्फ, आ, सल्फर डाइऑक्साइड की वो जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो फोर इस तरीके से दी है जीरो पॉइंट टू जीरो टू जीरो पॉइंट टू फोर और यहां पर फ्रीक्वेंसी दी है कि फोर नाइन नाइन टू फोर टू हमने मीन कंसेंट्रेशन निकालनी है ठीक है तो इसमें यहाँ पर वैल्यूज जो है वो आपकी लार्ज है तो फिर से अगेन हम स्टेप डिफेशन मेथड को यूज करेंगे ठीक है तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसओ टू जो दी है उसमें हमारे इंटरवल्स दिए हुए हैं वही हमने सेम लिख दिए है दी है, है वही हमने सेम लिख ली फोर नाइन नाइन टू फोर टू अब हमें निकालना है क्लास मार्क तो क्लास मार्क में क्या होता है इन दोनों को हम अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को एड डिवाइड बाई टू करते हैं तो ये जगह जीरो पॉइंट जीरो जीरो प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर डिवाइड बाय टू दैट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू बिकॉज यहाँ पर रहेगा जीरो पॉइंट जीरो फोर को हम डिवाइड करेंगे टू के साथ दैट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू इन द सेम वे बाकी भी जो हम करेंगे इसमें और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर सभी में डिफरेंस जो है वो 0.04 का है आप 0.08 में से 0.04 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 0.04 आएगा जब 0.04 को आप जीरो से सब्रैक्ट करोगे फिर से आपको अगेन 0.04 मिलेगा दैट मीनस इसके जो क्लास विथ है वो क्या है सेम है तो जब क्लास विथ सेम होती है तो हम सेम वही क्लास विथ को हम यहाँ पर एडअप करते रहते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ठीक मतलब जो हमारे पास क्लास मार्क है वो ईजी सही आते हैं करेक्ट uh, आते हैं ठीक है तो यह जगह जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फिर से हम इसमें जीरो पॉइंट जीरो फोर को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा जीरो पॉइंट टेन फिर जब हम इसमें जीरो पॉइंट जीरो फोर को ऐड करेंगे या जगह जीरो पॉइंट वन फोर फिर से जब जीरो पॉइंट जीरो फोर को ऐड करेंगे ये जगह जीरो पॉइंट वन एट फिर से जब जीरो पॉइंट जीरो फोर को ऐड करेंगे यह जगह जीरो पॉइंट टू टू ठीक है तो कॉन्टीन्यूसली हम सेम टर्म को, इस वाले टर्म को हम इसमें इस वाले टर्म्स में इस ऐड करते जा रहे हैं ठीक है फिर से अगेन इसको ऐड करेंगे फिर इस तरीके से चलता रहेगा ठीक है थीके? अब नेक्स्ट हमारे पास हमारे पता चल गया अब यहाँ पर क्या कितने इंटरवल्स है ए अब कितनी आ, आपके वैल्यू थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स है तो सिक्स को जब टू से डिवाइड करेंगे थ्री आएगा दैट मीन ए की वैल्यू जो है वन टू थ्री थर्ड टर्म आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ गया जीरो पॉइंट वन जीरो और एच हमने ऑलरेडी क्लास में निकाल दैट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फोर हमें अब निकालना है यू आई ठीक है यू आई की वैल्यू आ जाएगी दैट मीज डी आई इज जीरो पॉइंट वन जीरो ठीक है तो वो आपका आ जाएगा माइनस माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो फोर पॉइंट पॉइंट कैंसल तो फोर वन जा फोर टू जा तो ये आ गया माइनस टू इस तरीके से इसकी बाकी वैल्यूज आएंगी माइनस वन जीरो वन टू थ्री ठीक है और हम अपने क्या निकालना है एफ आई यू आई बिकॉज हमारे स्टेप डिविशन मैथड में पता है कि आपको क्या चाहिए होता है ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन मिशन एफ आई इंटू एच ठीक है तो ये आपका आ गया अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा फोर इंटू माइनस टू इज माइनस एट नाइन इंटू माइनस वन इज माइनस नाइन नाइन इंटू जीरो इज जीरो टू इंटू वन इज टू फोर इंटू टू इज एट एंड टू इंटू थ्री इज सिक्स तो ये कितना आ जाएगा अब जब सॉल्विंग करेंगे आएगा समिशन एफ आई यू इज इक्वल टू तो माइनस वन और जब इसको सॉल्विंग करेंगे एन इज इक्वल्स टू थर्टी अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ठीक है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो पॉइंट वन जीरो इसकी आ गई माइनस वन एन की वैल्यू आ गई थर्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर जब प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो वन इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर इज जीरो पॉइंट जीरो फोर डिवाइड बाय थर्टी जब सॉल्विंग करेंगे ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो जीरो पॉइंट टेन में से जब मैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन को सब ट्रैक करूंगी तो कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन नाइन तो मीन कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितनी आ गई में जीरो पॉइंट जीरो नाइन नाइन पीपीएम ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एथ ठीक है एथ क्वेश्चन है अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एबी रिकॉर्ड ऑफ फोर्टी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ठीक है फॉर द होल टर्म पूरे टर्म के लिए तो हमने यहाँ पर निकाला मीन नंबर ऑफ डेज और स्टूडेंट वॉज एबसेंट ठीक है हमने बताना है कितने होंगे तो नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा आपका इंटरवल जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इलेवन टेन सेवन फोर फोर थ्री वन ठीक है तो यहाँ पर वही लिखा है नंबर ऑफ डेज में आ गया जीरो टू सिक्स अपट से थर्टी एट टू फोर्टी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आ गया एफ आ आपका इस तरीके से फिर अब देखो फिर से हम स्क्वा करेंगे अब यहाँ पर फिर से वैल्यू लेकिन क्लास साइज वेरी कर रहा है यहाँ पर जीरो टू सिक्स का डिफरेंस है जब टेन में सिक्स काटूंगी तो फोर का डिफरेंस होगा फिर फोर्टीन में से टेन करूंगी तो फोर का डिफरेंस है ट्वेंटी में से फोर्टीन करूंगी सिक्स का डिफरेंस ट्वेंटी एट में से ट्वेंटी करूंगी एट का डिफरेंस है ठीक है तो इसमें जो हमारे पास क्लास फिर्थ है वो सेम नहीं है ठीक है तो इसलिए क्लास साइज कर रहा है और हमारे पास वैल्यू एक्स आई की जो है वो ये बड़ी है है ना बड़ी वैल्यूज है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एज्यूम मीन को यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू थ्री सिक्स प्लस टेन दैट इज इक्वल्स टू एट टेन प्लस फोर्टीन डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू ट्वेल्व इस तरीके से आपकी बाकी वैल्यूज आएंगी और इसमें आपको हर एक वैल्यू निकालनी है फाइंड आउट करनी है आप यहां पर uh, एक सेम नंबर को अप नहीं कर सकते बिकॉज यहां पर इनकी जो क्लास साइज है जो क्लास वेथ वो वेरी कर रही है ठीक है जब आपकी आ गया अब नेक्स्ट कितनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टर्म सेवन प्लस एट बाय टू इज फोर दैट मीन्स फोर्थ टर्म जो है वो मेरा क्या हो जाएगा ए की वैल्यू वो यहां पर लिखा ठीक है अब हमें क्या निकालना है एक्स आई माइनस दैट मीन्स मुझे निकालना है थ्री माइनस सेवनटीन दैट इज इक्व टू माइनस फोर्टीन एट माइनस सेवनटीन इज माइनस नाइन थर्टी थ्री माइनस सेवनटीन इज सिक्सटीन थर्टी नाइन माइनस सेवनटीन इज ट्वेंटी टू ठीक है अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है एफ आई डी आई निकालना बिकॉज इसमें हम मीन मेथड लगा रहे हैं ठीक है तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हमारे पास होता है ए प्लस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेवन इंटू माइनस फोर्टीन इज माइनस माइनस वन फिफ्टी फोर टेन इंटू माइनस नाइन इज माइनस नाइनटी सेवन इंटू माइनस फाइव इज माइनस फोर इंटू जीरो इज जीरो

तो जब सब ट्रैक करेंगे आ ट्वेल्व पॉइंट फोर्टी एट तो ये मीन नंबर ऑफ डेज कितने हो गए ट्वेल्व पॉइंट फोर्टी एट डेज ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है वो भी आप खुद ट्राई करेंगे थैंक यू